Hey guys, it's me Akash and you are watching YouTube Tips in Hindi YouTube channel. दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ कि कैसे आप बिना किसी एप्लीकेशन थर्ड पार्टी के एप्लीकेशन को बिना यूज किए कैसे आप अपने मोबाइल फोन की मदद से यहाँ पर बेहतरीन 3D इंट्रो बना सकते हैं, वो भी अपने दिमाग को थोड़ा सा भी खर्च किए बिना। यानी कि आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ भी एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है और आप जैसा चाहें वैसा यहाँ पर इंट्रो अपने यूट्यूब चैनल के लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपकी जरूरत के लिए हम हमेशा लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर वीडियो में सबसे पहले हमें अपने डिफ़ॉल्ट यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, जिसे ओपन करने के बाद यहाँ सिंपली सर्च बॉक्स में जाकर हमें यहाँ पर टाइप करना है penzoid.com penzoid.com, जिसके बाद हम penzoid.com पर डायरेक्ट यहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ पर हम देख सकते हैं हमें बहुत सारा यहाँ पर टेम्पलेट देखने के लिए मिल जाता है अपने इंट्रोज में लगाने के लिए। इंट्रोज, आउट्रोज, हर जगह लगाने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा टेम्पलेट मिल जाता है। अब यहाँ से जो हमें टेम्पलेट चाहिए, यहाँ से हम उस टेम्पलेट को सिंपली सिलेक्ट कर लेंगे, जिसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं नीचे हमें और टेम्पलेट देखने के लिए मिलेगा, लेकिन हमें इसी टेम्पलेट पर बनाना है। तो ओपन इन क्लिप मेकर ब्लू कलर के डॉट पर सिलेक्ट करके यहाँ पेनजॉइड के यहाँ पर एडिटिंग टूल पर हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जहाँ पर हमें यहाँ पर वीडियो क्लिप देखने के लिए मिलेगा। चाहे तो हम 3 डॉट पर क्लिक कर डेस्कटॉप साइड पर सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं करूँगा, नहीं तो यहाँ पर मेरा बहुत ज़्यादा डाटा कंज्यूम होने लगेगा। अगर आप भी नहीं करना चाहते तो नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आप छोटे में अपने यहाँ पर वीडियो को प्ले करके देख लेंगे कि ये वीडियो कैसा है। यहाँ पर आई के बटन पर क्लिक कर और यहाँ पर प्ले के बटन पर क्लिक कर आप इस वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। अब जिसके बाद हमें इस क्लिप में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एडिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इस क्लिप में जहाँ पर ये क्लिप मेकर लिख के आ रहा है वहाँ पर हमें अपना नाम लिख देना है सिंपली। तो इसके लिए यहाँ पर हमें साइड में बहुत सारे यहाँ पर टूल देखने के लिए मिल जाते हैं। साइड में जैसे कि आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे टूल देखने के लिए मिल जाएंगे। तो नीचे की तरफ हमें एक टूल देखने के लिए मिलेगा क्यूब का, तो क्यूब के टूल पर हमें यहाँ पर सिंपली चले आना है। उस पर जाने के बाद यहाँ पर सिंपली हमें टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर चले आना है। टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद देख सकते हैं क्लिप मेकर जहाँ पर लिखा है उस पर जब हम एक बार टैप करेंगे तो वहाँ एडिट करने का हमें ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्लिप मेकर को यहाँ हटा करके जैसे जो भी हम लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। जैसे मैं अपने यहाँ पर दोस्त के चैनल का नाम लिख देता हूँ, मैं दोस्त के लिए यहाँ पर बना रहा हूँ, तो यहाँ पर उसके चैनल का मैं नाम लिख देता हूँ। अब यहाँ पर नाम लिख देने के बाद नीचे की तरफ हमें फॉन्ट भी बहुत सारे देखने के लिए मिल जाएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं नाम हमारा लिख कर आ गया क्लिप मेकर की जगह यहाँ पर। और नीचे की तरफ यहाँ पर हम बहुत सारे अलग अलग यहाँ पर फॉन्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें हम चाहे तो अपने मन का भी म्यूजिक अपने यहाँ पर फाइल में जा करके सिंपली यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो अपने मन की भी म्यूजिक को इसमें हम ऐड कर सकते हैं। इन कुछ सिंपल से प्रोसेस को पूरा कर लेने के बाद वीडियो को अपने गैलरी में ऐड करने के लिए यहाँ पर हमें डाउनलोड के ऑप्शन पर जाकर स्टार्ट वीडियो रेंडरिंग पर चले आना है। यहाँ पर कुछ ज़्यादा टाइम लेगा, हो सकता है 15-20 मिनट ले ले, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट कुछ ज़्यादा ही स्पीड में हमें चाहिए होता है। वीडियो रेंडर हो जाने के बाद मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं एक और नई मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।